नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द नवलगढ़ स्टेशन पे। दोस्तों आज की हमारी जानकारी है सादुलपुर से दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेनों की। और दोस्तों इस वीडियो की रिक्वेस्ट आई है यूट्यूब चैनल अमित वंश की तरफ से और प्रकाश सैनी की तरफ से। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सादुलपुर से दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेनों की। दोस्तों सादुलपुर से दिल्ली के बीच कुल 8 ट्रेनें चलती हैं। इनमें हमारी पहली ट्रेन है 22481 जोधपुर से दिल्ली सरायरोला के बीच चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की। और दोस्तों इस ट्रेन का संचालन उत्तर पश्चिमी रेलवे करता है और यह सुपर फास्ट टाइप की रोजाना चलने वाली ट्रेन है जो जोधपुर जंक्शन से शाम में 6:45 पर रवाना होकर रतनगढ़ चूरू होते हुए सादुलपुर जंक्शन पहुँचती है रात में 1:17 पर और लोहारू रेवाड़ी होते हुए दिल्ली सरायरोला पहुँचती है सुबह में 5:20 पर। और यह ट्रेन 219 किलोमीटर को 55 किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज स्पीड से 4 घंटे में तय करती है और इस ट्रेन का सादुलपुर जंक्शन से दिल्ली सरायरोला तक 6 स्टेशनों पर ठहराव रहता है। इसके बाद दोस्तों हमारी अगली जो ट्रेन है वो है 12458 बीकानेर दिल्ली सरायरोला सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन। दोस्तों इस ट्रेन का संचालन उत्तर पश्चिमी रेलवे करता है और यह रोजाना चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है जो 219 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस को 54 किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज स्पीड से 4:05 में तय करती है और इस ट्रेन का सादुलपुर से दिल्ली सरायरोला तक 5 स्टेशनों पर ठहराव रहता है। और यह ट्रेन बीकानेर जंक्शन से रात में 10:30 पर रवाना होकर डूंगरगढ़ रतनगढ़ चूरू के रास्ते रात में 2 बजे सादुलपुर जंक्शन पहुँचती है और 5वें ठहराव के बाद लोहारू रेवाड़ी के रास्ते सुबह में 6:10 पर दिल्ली सरायरोला पहुंचती है। इसके बाद दोस्तों हमारी जो अगली ट्रेन है वो है 54767 श्री गंगानगर तिलक ब्रिज फास्ट पैसेंजर। दोस्तों इस ट्रेन का संचालन भी उत्तर पश्चिमी रेलवे करता है और यह पैसेंजर टाइप की रोजाना चलने वाली ट्रेन है जो 219 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस को 37 किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज स्पीड से 5:56 में तय करती है और इस ट्रेन का सादुलपुर से दिल्ली सरायरोला तक 32 स्टेशनों पर ठहराव रहता है। और दोस्तों यह ट्रेन श्री गंगानगर से शाम में 7:45 पर रवाना होकर हनुमानगढ़ नोहर भादरा के रास्ते रात में 2 बजे सादुलपुर जंक्शन पहुंचती है और करीबन 30वें ठहराव के बाद 2:30 पर यहां से रवाना होकर लोहारू महेंद्रगढ़ रेवाड़ी गुड़गांव के रास्ते दिल्ली सरायरोला स्टेशन पर सुबह में 8:26 पर पहुँचती है। इसके बाद दोस्तों हमारी जो अगली ट्रेन है वो है 54310 हिसार दिल्ली पैसेंजर ट्रेन। दोस्तों इस ट्रेन का संचालन उत्तर रेलवे करता है और यह रोजाना चलने वाली पैसेंजर टाइप की ट्रेन है और यह ट्रेन अपनी 219 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस को 34 किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज स्पीड से 6:29 में तय करती है और इस ट्रेन का सादुलपुर जंक्शन से दिल्ली सरायरोला तक 35 स्टेशनों पर ठहराव रहता है। दोस्तों यह ट्रेन हिसार जंक्शन से सुबह में 3:40 पर रवाना होकर शिवानी सूरतपुरा के रास्ते सादुलपुर जंक्शन पहुंचती है सुबह में 5:10 पर और 20वें ठहराव के बाद 5:30 पर यहां से रवाना होकर लोहारू सतनाली महेंद्रगढ़ रेवाड़ी गुड़गांव के रास्ते दिल्ली सरायरोला पहुंचती है 11:59 पर। इसके बाद दोस्तों हमारी जो अगली ट्रेन है वो है 12372 जैसलमेर हावड़ा सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन। दोस्तों इस ट्रेन का संचालन पूर्वी रेलवे करता है और ये हफ्ते में 1 दिन चलने वाली साप्ताहिक सुपर फास्ट टाइप की ट्रेन है जो हर गुरुवार को जैसलमेर से रात में 1:25 पर रवाना होकर रामदेवरा फलोदी बीकानेर रतनगढ़ चूरू के रास्ते गुरुवार को सुबह में 10:05 पर सादुलपुर जंक्शन पहुँचती है और 5वें ठहराव के बाद 10:10 पर यहाँ से रवाना होकर लोहारू महेंद्रगढ़ रेवाड़ी के रास्ते पुरानी दिल्ली जंक्शन पर दोपहर में 2:45 पर पहुँचती है और लखनऊ वाराणसी धनबाद से गुजरती हुई अगले दिन शाम में 4:55 पर हावड़ा पहुँचती है। और दोस्तों यह ट्रेन सादुलपुर जंक्शन से पुरानी दिल्ली जंक्शन तक की टोटल डिस्टेंस 224 किलोमीटर को 4:35 में तय करती है और इस ट्रेन की एवरेज स्पीड रहती है 49 किलोमीटर प्रति घंटा और दोस्तों इस ट्रेन का 5 स्टेशनों पर ठहराव रहता है।
इसके बाद दोस्तों हमारी जो अगली ट्रेन है वो है 22471 बीकानेर दिल्ली सराय रोला सुपर फास्ट इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन। दोस्तों इस ट्रेन का संचालन उत्तर पश्चिमी रेलवे करता है और यह रोजाना चलने वाली इंटरसिटी सुपर फास्ट टाइप की ट्रेन है और यह ट्रेन सादुलपुर से दिल्ली सराय रोला तक की टोटल डिस्टेंस 219 किलोमीटर को 4 घंटे और 10 मिनट में तय करती है और इस ट्रेन का सादुलपुर से दिल्ली सराय रोला तक 5 स्टेशनों पर ठहराव रहता है। और दोस्तों यह ट्रेन बीकानेर से सुबह में 9:30 पर रवाना होकर श्री डूंगरगढ़ रतनगढ़ चूरू के रास्ते सादुलपुर जंक्शन पहुंचती है दोपहर में 1:10 पर और 5 मिनट ठहराव के बाद 1:15 पर यहाँ से रवाना होकर लोहारू महेंद्रगढ़ रेवाड़ी गुड़गांव के रास्ते शाम में 5:25 पर दिल्ली सराय रोला पहुँचती है। इसके बाद दोस्तों हमारी अगली जो ट्रेन है वो है 22422 सालासर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन। दोस्तों इस ट्रेन का संचालन उत्तर पश्चिमी रेलवे करता है और यह सुपर फास्ट टाइप की रोजाना चलने वाली ट्रेन है जो सादुलपुर जंक्शन से दिल्ली सराय रोला तक की टोटल डिस्टेंस 219 किलोमीटर को 4 घंटे और 20 मिनट में तय करती है और इस ट्रेन की एवरेज स्पीड रहती है 51 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोस्तों यह ट्रेन जोधपुर जंक्शन से सुबह में 11 बजे रवाना होकर मेड़ता रोड डीडवाना सुजानगढ़ रतनगढ़ चूरू के रास्ते शाम में 5:45 पर सादुलपुर जंक्शन पर पहुँचती है और 5 मिनट ठहराव के बाद 5:50 पर यहाँ से रवाना होकर लोहारू जंक्शन सतनाली महेंद्रगढ़ रेवाड़ी दिल्ली कैंट से स्टेशनों पर ठहराव करती हुई रात में 10:10 पर दिल्ली सराय रोला पहुँचती है। और दोस्तों इस ट्रेन का 8 स्टेशनों पर ठहराव रहता है। इसके बाद दोस्तों हमारी जो अगली ट्रेन है वो है 15623 भगत की कोठी से कामख्या के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन की। और दोस्तों इस ट्रेन का संचालन उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे करता है और ये हफ्ते में एक दिन चलने वाली साप्ताहिक मेल व एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है जो मंगलवार को भगत की कोठी से शाम में 4:10 पर रवाना होकर जोधपुर मेड़ता रोड डीडवाना सुजानगढ़ रतनगढ़ चूरू होते हुए रात में 11:35 पर सादुलपुर जंक्शन पहुँचती है और करीबन 5 मिनट ठहराव के बाद 11:40 पर यहाँ से रवाना हो जाती है और लोहारू महेंद्रगढ़ रेवाड़ी गुड़गांव होते हुए बुधवार को सुबह में 4:30 पर पुरानी दिल्ली जंक्शन पहुँचती है और सुबह में 5 बजे यहाँ से रवाना होकर गाजियाबाद बरेली लखनऊ वाराणसी पटना न्यू जलपाईगुड़ी होते हुए गुरुवार को कामख्या जंक्शन पर पहुँचती है। और दोस्तों यह ट्रेन सादुलपुर से पुरानी दिल्ली तक की टोटल डिस्टेंस 224 किलोमीटर को 4 घंटे और 50 मिनट में तय करती है और इस ट्रेन की एवरेज स्पीड रहती है 46 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोस्तों इस ट्रेन का 6 स्टेशनों पर ठहराव रहता है। तो दोस्तों यह थी सादुलपुर से दिल्ली के बीच चलने वाली ट्रेनों की जानकारी। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक व शेयर करना नहीं भूलें और चैनल पर पहली बार आए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर से दबा लें ताकि चैनल पर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, शुभ रात्रि।